एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग के पास और इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। एक एलिवेटर, एलिवेटर का मतलब है कि एक लिफ्ट जो है, एक लिफ्ट एक माइन शाफ्ट के अंदर जाती है, नीचे उतरती है ऊपर से नीचे और एक मिनट में 6 मीटर नीचे उतर जाती है। इफ़ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, अगर जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई के पॉइंट से, 10 मीटर ऊंचाई के पॉइंट से वो लिफ्ट स्टार्ट होती है नीचे उतरने के लिए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, तो फिर उसे -350 मीटर नीचे जाने में कितना समय लगेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ किया गया है, यहाँ से बताया जा रहा है कि यहाँ पे एलिवेटर है, यहाँ जो है एलिवेटर हो गया ये, और इस पॉइंट में मतलब ये ग्राउंड हो गया, ये ज़मीन हो गया और ज़मीन पे ये है जीरो यहाँ पे आ गया और यहाँ से 10 मीटर ऊंचा, 10 मीटर ऊंचा ये एलिवेटर हो गया और यहाँ ज़मीन हो गया और यहाँ से ये नीचे -350 मीटर ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एलिवेटर, एलिवेटर का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, 10 मीटर, 10 मीटर प्लस में मतलब ज़मीन की ऊंचाई से, और टू रीच फ्रॉम ग्राउंड तो उसको पहुँचना है ग्राउंड से, ज़मीन से नीचे इधर पहुंचना है, कितना ज़मीन से यहाँ की दूरी हो गया -350, इतना दूर नीचे जाना है ज़मीन से। तो और डिसेंट रेट दिया हुआ है, इसका जो नीचे उतरने का स्पीड है वो 6 मीटर पर मिनट, मतलब एक मिनट में वो 6 मीटर नीचे उतर जाता है। तो फिर उसको कितना टाइम लगेगा पूरा ये डिस्टेंस कवर करने में, तो यहाँ पर हो जाएगा कवर टोटल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, सबसे पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं। कवर्ड टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे है, अब प्लस यहाँ पे दिया हुआ है 10 डिग्री, तो लेकिन प्लस क्या है, ग्राउंड के लिए ये प्लस है लेकिन एलिवेटर के लिए प्लस नहीं है, क्योंकि एलिवेटर तो ऑलरेडी ऊपर में है, वो नीचे उतर रहा है, तो इसका मतलब ये माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -10 और प्लस ये जो इसके इधर दिया हुआ माइनस वो भी इसमें प्लस हो जाएगा, तो ये -350, ये माइनस हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -10 और माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया 350, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस मतलब साइन इसका माइनस ही रहेगा, तो ये हो गया 360 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो हो गया 360 मीटर। अब इतना कवर करना है, इतना कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, तो डिसेंट रेट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे टू डिसेंट -6, तो -6 क्यों, क्योंकि ये नीचे चल रहा है, नीचे की ओर चलेगा तो माइनस लगेगा, -6 मीटर टू डिसेंट -6 मीटर इक्वल टू कितना समय लग रहा है, 1 मिनट, 1 मिनट लग रहा है, तो टू डिसेंट अब कितना चलना है 360 मीटर, तो कितना टाइम लगेगा, तो इससे ये डिवाइड हो जाएगा -360 / -6, माइनस माइनस तो कट गया और 6 6 जा 36 हो गया, तो 6 पे एक जीरो आ गया, इसका मतलब है कि 60, और यहाँ पे मिनट बतला रहा है 1 मिनट, तो ये भी मिनट है, और अगर इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, 1 आवर, तो 1 आवर इसको टाइम लगेगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा।